इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक एक्सपो मार्ट परिसर में आयोजित की गई। 293वीं बैठक में IIA को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में 40 जिलों के लगभग 200 लोगों ने हिस्सा लिया और व्यापक चर्चा की गई। तो नयों से तो हमें बहुत कुछ मिला समझने को। उन्होंने बताया कि आज हमारी क्या स्थिति है, हम चैप्टर में क्या क्या दिक्कतें। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लियर है कि कोई डिसीजन लेने नहीं है। पहला तो एक SOPs हर एक चैप्टर लेवल पे भी बनाई जाए और उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि ये फील ऊंचा इसलिए हुआ कि जब भी हम कुछ काम करते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं या कुछ भी तरफ से ध्यान आकर्षित करते हैं, उसका ऑब्जेक्शन काफी कुछ रेज किए जाते हैं। अगर हमको पहले से ही पता हो कि किस डायरेक्शन में हमको काम करना है और किस डायरेक्शन में किन लोगों के साथ हमको कम्युनिकेट करना है, कैसे रिपोर्टिंग सिस्टम रखना है, तो वो समस्याएं पैदा नहीं होंगी। दूसरा, जो भी मेंबर्स कुछ भी काम करते हैं IIA के लिए, चैप्टर के लिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, अध्यक्ष जी मेरा एक सुझाव है। पिछले 3 साल से आगरा की AGM जब हुई थी पंकज जी के समय, उस समय से ये चेंजेस की बात हम लोग कर रहे हैं, पर आज भी हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच रहे। पिछले जो मैं अलग अलग चैम्बर्स में काम कर चुकी हूँ उसके अनुभव के आधार पे बता कह रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि क्यों ना 2 दिन के लिए हमारे ऑफिस बेयरर्स, पास्ट रेसिडेंट्स और 21 CEC मेंबर्स किसी एक जगह पे जाके एक निर्णय ले, एक पॉलिसी मैटर तैयार करें और उसको वहीं पर ही अप्रूव कर ले अपनी तरफ से और फिर AGM में उसको सिलेक्ट कर ले, उसको कि जैसे कि हमारी योगी सरकार चाहती है कि हम लोग 27 से पहले $1 trillion पर कैसे पहुँचे, तो इसमें हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो यहाँ पर एक आने वाले समय में 5 दिवसीय एक्सपोर्ट केवल UP वालों के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए हमने सारे अपने साथीगण पूरे प्रदेश से और आसपास के प्रदेशों से भी बुलाए हैं ताकि वो समझ सकें कि हमें यहाँ पर कैसे स्टॉल लगाने हैं, उसके लिए हमें जगह कैसे लगेगी, कैसे क्या करना है, उतनी तैयारी थी। नंबर दो, फिर हमारे ये जमुना एक्सप्रेस हाईवे पर कैसे IIA के लोग, MSME के लोग अपनी इंडस्ट्रीज वहाँ लगा सकें, मेन मकसद ये था। बाकी हमारी CC ये चलती रहती हैं लगातार, 293 CC थी, इसमें एक मुख्य कारण ये था। सर, इसमें कुछ अहम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। हाँ, बहुत अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई कि हम क्यों नहीं जमुना एक्सप्रेस हाईवे पर अपना एक 50 एकड़ कम से कम IIA वाले लेंगे और अपने वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चर्चा की। उद्योग लगाने के लिए, उद्योगपतियों के लिए नहीं, जमीन की समस्या अपने आप में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी उद्योग आकाश में या ग्रह पे नहीं लग सकता, लगेगा जमीन पर ही। सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है और इवन हम लोग भी जो सरकार की नीति के हिसाब से अपने प्रयास कर रहे हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक हर जिले में हम अपने अपने ज़मीनें तलाश रहे हैं ताकि वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल पार्क बना सकें। बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई प्लस की, उसके तहत भी काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और हम लोग उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये समय आएगा। आश्वासन भी दिया गया है हम लोग। नहीं, आश्वासन के अलावा ये बहुत जल्दी ये समय आएगा कि हमारा प्रदेश हिंदुस्तान का नंबर एक का उद्यमी प्रदेश होगा। ये हमारा सौभाग्य है जो हमको CEC करने का मौका मिला। ये प्रोग्राम में लगभग 200 लोग के आसपास सम्मिलित हुए और येडा से OSG साहब आए थे, शैलेंद्र भाटिया जी आए थे और राकेश जी एक्सपो मार्ट से थे और उन्होंने येडा से हमें कंफर्मेशन मिला है कि हमको एक प्लॉट वो अलॉट करेंगे। ऐसा एक IIA के लिए स्पेसिफिक एक प्लॉट देने की बात चल रही है। उम्मीद करते हैं हमको एक 50 से 100 एकड़ के बीच में कोई जगह चिन्हित करके वो हमको देंगे। थैंक यू। मैं BR भाटी, डिविजनल चेयरमैन, जनरल हेड कह सकते हैं IIA के, यहाँ के 3-4 डिस्ट्रिक्ट को हेड करता हूँ। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग है 293, वो हमने यहाँ पर अरेंज कराई। इसमें कुछ जैसे ज़मीन का पूलिंग की बात है, तो उसके पहले हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है अरुण जी से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम IIA के लिए डेडिकेटेड जो हमारी मांग है वो कम से कम 500 एकड़ की है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप इसको प्रोसेस करिए, इन फ्यूचर हम आपके लिए अलग से ही सेक्टर का निर्माण कर देंगे, सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरा, जो अभी राकेश जी हैं, उनके CEO हैं एक्सपो मार्ट के, उन्होंने अभी सितंबर में एक यहाँ पे आयोजन होने वाला है MSME के साथ में, जिसमें IIA उसका बिजनेस पार्टनर होगा।
तो उसमें जो उनके रेट्स वगैरह हैं, जो उन्होंने जो फीचर्स हैं उनको वर्णन किया। इसके साथ साथ जो IAEA में जो भी मंथन के ऊपर विचार हुआ, जिसमें हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें जो अमेंडमेंट होने हैं उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है। बाकी हर चैप्टर से करीब 150 के लोग यहाँ पे आज उपस्थित रहिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की जो बैठक हुई है, इसमें इस सत्र की ये आखिरी बैठक है। हमारा सत्र 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक रहता है, तो उसकी ये आखिरी बैठक रही है। इसमें हमने पूरे प्रदेश से विभिन्न चैप्टरों से वहाँ के चैप्टर चेयरपर्सन और केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी आते हैं, चिंतन मनन करते हैं कि कैसे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाया जाए।